ओके स्टार्ट करते हैं इंडियन मैप, और इंडियन मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में नॉर्थ ईस्ट को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में स्टडी करेंगे एज यूजुअल, जैसे हम लोग पहले पॉलिटिकल पार्ट कवर करते हैं एंड देन आफ्टर वी विल कवर दी फिजिकल पार्ट, ठीक है। सो थोड़ा सा क्विक रिवीजन, अगर मैं पूछू कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कुल कितने राज्य आते हैं, 8 स्टेट, और सेवन सिस्टर्स में 7। अच्छा ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ है, मणिपुर, कौन से लेक के ऊपर, लोकतक, उस फ्लोटिंग नेशनल पार्क का नाम क्या है, कैबुल लाम जाओ। गारो खासी जयंतिया, ये पहाड़ी कहाँ है, मेघालय में। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मासीराम। ओके अगर मैं कहूँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की सबसे सदर्न स्टेट कौन सा है, मिजोरम, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज हम लोग कवर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। सो पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट को देख लेते हैं, उनके स्पेसिफिकेशंस देख लेंगे एंड देन हम फिजिकल की तरफ चलेंगे, ठीक है। ओके तो ध्यान से देखना, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा सिंगरौली, ठीक है, सिंगरौली दिखाई दे रहा है, हाँ सिंगरौली। सिंगरौली के आगे हम जाएंगे तो हमें मिलेगा सतना, ठीक है, सतना। सतना से ही सटा हुआ है पन्ना, ठीक है। सिंगरौली सतना पन्ना, ठीक है। और पन्ना के ऊपर जाएंगे तो मिलेगा हमें छतरपुर, ठीक है, क्या मिलेगा, छतरपुर, बात समझ में आया, छतरपुर। तो यहाँ से ये चार कौन कौन से, सिंगरौली, सतना, पन्ना और छतरपुर, ठीक है, सिंगरौली सतना पन्ना छतरपुर, ना समझ में आया। ओके उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ हमें दिखेगा अनूपपुर, ठीक है, अनूपपुर। अनूपपुर के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के देखने को मिलेगा कटनी, है ना, अनूपपुर के एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के कटनी, और कटनी के नीचे हमें देखने को मिलेगा जबलपुर, ठीक है। तो यहाँ से तीन डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, अनूपपुर कटनी जबलपुर, समझ में आया। अनूपपुर के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ना है, फिर कटनी, और कटनी के नीचे जबलपुर, ठीक है। ओके ब्लैंक मैप पर देखते हैं, जैसे एक नंबर क्या रहेगा, वापस से सिंगरौली, ठीक है, सिंगरौली, और सिंगरौली से हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट ये दो डिस्ट्रिक्ट छोड़ देंगे, तीसरा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा सतना, सतना से लगा हुआ है पन्ना, और पन्ना के ऊपर छतरपुर। तो ब्लैंक पेपर पे देखना, सिंगरौली एक डिस्ट्रिक्ट दो डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरा आ जाएगा सतना, सतना से लगा हुआ है पन्ना, और पन्ना के ऊपर छतरपुर, बात समझ में आ। ओके अब जैसे सिंगरौली था, सिंगरौली के एकदम लास्ट पॉइंट पर ऐसे सीधे देखेंगे तो हमें मिलेगा अनूपपुर, जैसे यहाँ से एक नंबर अनूपपुर, इसको छोड़ेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा कटनी, और कटनी के नीचे जबलपुर, ठीक है, लोकेशन याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वापस से एक बार देखते हैं, जैसे मैं एक नंबर सिंगरौली, दो नंबर
सतना, तीन नंबर पन्ना, चार नंबर छतरपुर, पांच नंबर अनूपपुर, छह नंबर कटनी और सात नंबर जबलपुर। ठीक है, ये सात डिस्ट्रिक्ट यहाँ के याद हो गए। ओके ठीक है, ये सात डिस्ट्रिक्ट याद हो गए। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं कहाँ पर, तो होशंगाबाद के साइड। ठीक है, होशंगाबाद यानी कि सीधा यहाँ से होते हुए अगर याद रखना रहेगा तो कैसे, कि जैसे यहाँ से जो अनूपपुर है, एक दो तीन चार, चार डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो चौथे के ऊपर, मतलब पांच डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो पांचवे के ऊपर होशंगाबाद। कैसे याद रखेंगे, यहाँ से एक दो तीन चार पांच, इसके ऊपर होशंगाबाद। ठीक है, समझ में आया, यहाँ से एक दो तीन चार पांच छोड़ दो ऊपर होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद 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 के ऊपर रायसेन 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 के बाद भोपाल 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 और भोपाल के ऊपर विदिशा 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 विदिशा, समझ में आया क्या, विदिशा। और विदिशा के सीधा ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ हमें मिलेगा ग्वालियर ग्वालियर ग्वालियर, विदिशा से एक दो छोड़ दो, तीसरे पर ग्वालियर। ठीक है, तीसरे पर ग्वालियर। ठीक है, ब्लैंक में कैसे देखेंगे, यहाँ से गए एक दो तीन चार पांच, छोड़ दो ऊपर, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर और फिर एक दो पांच नंबर। ठीक है, ग्वालियर, तो यहां से शुरू करेंगे होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद होशंगाबाद के बाद रायसेन रायसेन के बाद भोपाल भोपाल के बाद विदिशा और विदिशा के बाद ग्वालियर, समझ में आया। ओके, पहले इतना वापस से एक बार क्लीन करके देखते हैं क्या है ये। ओके, हो गया पॉइंट्स। ठीक है, मैं नंबरिंग डाल रहा हूँ, बताना। एक नंबर सिंगरौली, दो नंबर सतना, तीन नंबर पन्ना, चार नंबर छतरपुर छतरपुर। ठीक है, पांच नंबर अनूपपुर, छह नंबर कटनी, सात नंबर जबलपुर। फिर यहां से एक दो तीन चार पांच काट दो ऊपर से, आठ नंबर होशंगाबाद, नौ नंबर रायसेन, दस नंबर भोपाल, ग्यारह नंबर विदिशा, फिर एक दो तेरह बारह नंबर ग्वालियर। ठीक है, इतना बारह डिस्ट्रिक्ट याद हो गए ग्वालियर तक। ओके, बहुत बढ़िया, बारह नंबर हमने ग्वालियर देख लिया, बारह होगा ना, हाँ ग्वालियर। अब ग्वालियर से यहां से अब थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा बुरहानपुर। ठीक है, यहाँ ये जो पांचवा यहाँ छोड़े थे इसके जस्ट लगा हुआ यहाँ बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर बुरहानपुर के ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट छोड़ के देवास देवास है ना, देवास 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 के बगल में हमें देखने को मिलेगा इंदौर 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 और इंदौर के ऊपर उज्जैन उज्जैन उज्जैन। बात समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, तो बुरहानपुर बुरहानपुर के एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ो देवास, देवास के बाजू में इंदौर और इंदौर के ऊपर उज्जैन उज्जैन उज्जैन। ठीक है, उज्जैन, तो यहाँ पर ये चार डिस्ट्रिक्ट ये याद रखना, कौन कौन से, जैसे यहां से शुरू किया हमने बुरहानपुर देवास इंदौर और उज्जैन। ठीक है, बुरहानपुर देवास इंदौर और उज्जैन, यहां जाते हैं, इससे सटा हुआ ये हमारा आ जाए तेरह नंबर, सॉरी ये नीचे वाला नीचे वाला तेरह नंबर
बुरहानपुर, इसको छोड़ दो। 14 नंबर देवास, देवास ठीक है, 14 नंबर देवास। इसके आगे 15 नंबर इंदौर, और इसके ऊपर 16 नंबर उज्जैन, ठीक है, उज्जैन, उज्जैन इतना क्लियर है, उज्जैन। अच्छा, उज्जैन के ऊपर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा मंदसौर, 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 ठीक है। अब मंदसौर के लिए जो मैं डिटेल बताऊंगा वो थोड़ा सा मुझे डिस्प्यूटेड लगता है, कि कहा जाता है कि मंदसौर जो रावण था, रावण का ससुराल था, लेकिन एक मंद रावण की बीवी का मतलब की पत्नी का क्या नाम था, ये मंदोदरी है ना, मंदोदरी। तो एक मंदोदरी को कहा जाता है कि वो मंदोर की थी, मंदोर, और मंदोर यहाँ राजस्थान में पड़ता है मंदोर, ठीक है। मंदोदरी को कहा जाता है, अगर गूगल सर्च करेंगे कि बर्थ प्लेस ऑफ मंदोदरी तो मंदोर दिखाता है, और मंदोर राजस्थान में है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मंदोदरी इस मंदसौर की थी, ठीक है। तो डिस्प्यूटेड है, उतना इस पर ध्यान नहीं देने का। हाँ, मंदोर और मंदसौर, ठीक है। ये मैं एक बार लास्ट फिर से इसको पढ़ते हैं, फिर इनके हम लोग स्पेसिफिकेशंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। यहां से ठीक, चलो वापस से मैं नंबरिंग करूंगा, नाम बताना, ठीक है। एक नंबर सिंगरौली, दो नंबर सतना, तीन नंबर पन्ना, चार नंबर छतरपुर, ठीक है, चार नंबर छतरपुर। यहां से पांच नंबर अनूपपुर, ठीक है, छह नंबर कटनी, सात नंबर जबलपुर। फिर यहां से एक दो तीन चार पांच काट दो, आठ नंबर होशंगाबाद है ना, होशंगाबाद, नौ नंबर रायसेन, दस नंबर भोपाल, ग्यारह नंबर विदिशा, फिर ये दोनों डिस्ट्रिक्ट काट दो यहाँ, तेरह बारह नंबर ग्वालियर, ग्वालियर ठीक है, फिर यहां पर आ जाओ, तेरह नंबर बुरहानपुर, तेरह नंबर बुरहानपुर, फिर इसको छोड़ दो, चौदह नंबर इंदौर, इंदौर, इंदौर इसके आगे आएगा, इंदौर यहां आएगा पंद्रह नंबर पर, चौदह नंबर क्या है, देवास, ठीक है, चौदह नंबर है देवास, पंद्रह नंबर इंदौर, पंद्रह नंबर इंदौर, ठीक है। और इंदौर के ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, उज्जैन है ना, सोलह नंबर उज्जैन, और यहां पर देख लेंगे सत्रह नंबर तो मंदसौर देखने को मिल जाएगा, वो हम लोग बाद में, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट तो याद रहेंगे, अब हम समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट की क्या खासियत है, ठीक है, मैं समझाते चलता हूँ। मैं पहले सब बता देता हूँ, तो अब हम लोग एक एक की स्पेसिफिकेशंस को समझते हैं, एक स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से समझना, जैसे जो ये सिंगरौली है, सिंगरौली है, सिंगरौली में कोयले की मोटी मोटी परतें निकलती हैं, यानी जब वहां कोल माइनिंग होती है तो बहुत थिक लेयर मिलता है सिंगरौली में, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड इन सबसे जुड़ा हुआ है ना, छत्तीसगढ़ झारखंड इन सबसे जुड़ा हुआ है, तो झारखंड में हमको पता है कोयला निकलता है, छत्तीसगढ़ में भी कोयला निकलता है, ये सारा का सारा एरिया कोल माइनिंग के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, कोल माइनिंग के लिए। एंड यू नो, जब हम
उत्तर प्रदेश पढ़ रहे थे, उत्तर प्रदेश का ये जो नीचे वाला रॉबर्ट्स पीटर्सगंज वाला एरिया है, यहाँ पर रेणुकट परियोजना है, ठीक है, वहां पर जो कि उस रेणुकूट परियोजना के लिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए या जो भी प्लांट को चलाने के लिए जो कोल की जरूरत रहती है वो कहाँ से मिल जाती है, कुछ झारखंड से मिल जाती है, कुछ सिंगरौली से मिल जाती है, बात समझ ना। हाँ, तो कहेगा कि सिंगरौली किस लिए फेमस है, तो सिंगरौली थिक लेयर्ड कोल के लिए फेमस है, थिक लेयर्ड कोल, बात समझ में आई, सिंगरौली थिक लेयर्ड कोल के लिए फेमस है, मोटी मोटी कोल की यहाँ परतें निकलती हैं, ठीक है, मोटी मोटी कोल की परतें निकलती हैं यहाँ पे, समझ में आया, ओके, सिंगरौली, सिंगरौली के बाद हमने देखा सतना, सतना, सतना एक जंक्शन भी है, जब हम लोग यूपी की यात्रा करते हैं, यूपी जाते हैं तो सतना हमें स्टेशन भी मिलता है, सतना रेलवे स्टेशन भी फेमस है, और सतना सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, सतना में सीमेंट के कारखाने हैं, समझ में आ रहा है, सतना किस लिए फेमस है, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, सिंगरौली किस लिए फेमस है, थिक लेयर्ड कोल, पूरे भारत में कहेगा कि सबसे थिक लेयर्ड कोल कहां से निकलता है, तो सिंगरौली से, ठीक है, थिक लेयर्ड कोल कहां से निकलता है, तो सिंगरौली से, सतना किस लिए फेमस है, तो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, सतना सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, उसके बाद सतना के बाद हम देखते हैं तो पन्ना, पन्ना हीरो की खदाने के लिए, डायमंड माइनिंग्स के लिए फेमस है पन्ना, ठीक है, पन्ना डायमंड की माइनिंग के लिए फेमस है पन्ना, ठीक है, डायमंड की माइनिंग के लिए क्या फेमस है, पन्ना, पन्ना, ठीक है, पन्ना के ऊपर हम देखते हैं तो छतरपुर, और छतरपुर में हमें एक जगह मिलेगा खजुराहो, ठीक है, खजुराहो, खजुराहो में हमें खजुराहो टेम्पल देखने को मिलता है, और खजुराहो में ही एक और टेम्पल है जिसे हम कहते हैं कंदरिया महादेव का टेम्पल, मैं दिखाता हूँ, कंदरिया महादेव का टेम्पल, ये, ठीक है, ये है कंदरिया महादेव का टेम्पल, और एक कंदरिया महादेव का टेम्पल के सामने एक बहुत बड़ी नंदी बैल की मूर्ति बनाई गई थी, ठीक है, नंदी बैल की मूर्ति बनाई गई थी, ठीक है, तो ये बहुत पुराना टेम्पल है कंदरिया महादेव का टेम्पल, ये बहुत पुराना टेम्पल है, नंदी बैल की मूर्ति और कंदरिया महादेव का टेम्पल, ये अगर हम देखें खजुराहो, तो खजुराहो जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों के लिए फेमस है, ठीक है, खजुराहो जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों के लिए फेमस है, लेकिन कहेगा कि खजुराहो कहाँ है, तो खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में खजुराहो जैनिज्म और बुद्धिज्म के लिए फेमस है, वहां की मंदिर, और वहां पर एक मंदिर कौन सा याद रखना, कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है, कंदरिया महादेव का मंदिर, उनके सामने किसकी मूर्ति है, तो नंदी बैल की, ठीक है, नंदी बैल की, बात समझ में आया, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ से हमारे चार डिस्ट्रिक्ट हो गए, कौन कौन से, सिंगरौली, सतना, पन्ना और छतरपुर, ठीक है, सिंगरौली, सतना, पन्ना और छतरपुर, ठीक है, छतरपुर। अब हम आते हैं यहाँ पर कहाँ पे, अनूपपुर में, अनूपपुर, अनूपपुर में हमें एक जगह मिलेगा अमरकंटक, ठीक है, अनूपपुर में क्या मिलेगा, अमरकंटक, अमरकंटक, और अमरकंटक एक पिलग्रिमेज साइट है, वहां पर जो कि वहां से एक्चुअली तीन तीन नदियां निकलती हैं, अमरकंटक की पहाड़ी है और अमरकंटक की पहाड़ियों से तीन नदियां निकलती हैं, तीन नदियां कौन कौन सी, तो एक निकलेगी नर्मदा, एक निकलेगी सोन और एक निकलेगी महानदी, मैं समझाता हूँ कैसे, जैसे मान लो कि ये अमरकंटक की पहाड़ी है, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से होते हुए निकल जाएगी नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से आ जाएगी, ठीक है, नर्मदा, और यहां से एक नदी चली जाएगी सोन नदी, जो जाकर के गंगा में मिल जाएगी, कहां, बिहार में, ठीक है, और यहां से निकल जाएगी महानदी उड़ीसा की तरफ, ठीक है, तो अमरकंटक पहाड़ी से कितनी नदियां निकलती हैं, तीन, अमरकंटक, कंटक, अमरकंटक पहाड़ी से तीन नदियां, कौन कौन सी, नर्मदा, सोन और महानदी, नर्मदा, सोन और महानदी, नर्मदा, सोन और महानदी, ठीक है, नर्मदा, सोन और महानदी, अमरकंटक कहाँ मिलेगा हमें, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में एक पिलग्रिमेज साइट है,
ठीक है, पिलग्रिमेज साइट है, वहां पर लोग रिलीजियस प्लेस घूमने फिरने के लिए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, अनूपपुर, अनूपपुर के बाद अगर हम ऊपर देखते हैं तो हमें दिखाई देगा कटनी। कटनी तो कटनी क्या है, रेलवे जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है। मध्य प्रदेश का अगर कहेगा रेलवे डिवीजन कहाँ है तो कटनी में। ठीक है, कटनी में है ना, कटनी में, कटनी तो कटनी रेलवे डिवीजन है, मध्य प्रदेश का रेलवे डिवीजन कटनी, मध्य प्रदेश का रेलवे डिवीजन कटनी। ठीक है, कटनी, कटनी, इतना क्लियर है। अच्छा एक चीज और, खैर वो मैं फिजिकल में बता दूंगा, कि जो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी को चंचल रिवर या रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि नर्मदा की स्पीड बहुत तेज होती है। और ये चंचल या रेवा नदी जो नाम दिया गया है वो पुराने ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया था। क्यों, कैसा है कि नर्मदा दो पहाड़ों के बीच है, उधर विंध्याचल, ठीक है, जैसे एक साइड में इसको हमें देखने को मिलेगा विंध्याचल, ठीक है, और नीचे जो है ये सतपुड़ा, ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा। तो इस नदी की स्पीड इतनी तेज होती थी ना कि अगर कोई साधु संत यहाँ नहाने, समझ लो यहाँ बैठे नहाने ना, तो कभी कभी ये दह के इधर चले जाते थे। ठीक है, तो साधु संतों ने अपने मतलब कि इस नदी की इस नेचर को देख करके इसे कहा कि ये चंचल नदी है बहुत, मतलब कहते ना बच्चे छोटे होते हैं, नटखट होते हैं, चंचल होते हैं, तो वैसे इसको चंचल कहा। और चंचल को संस्कृत में रेवा नदी कहा जाता है, रेवा, तो रेवा नदी भी इसे ही कहते हैं नर्मदा को। ठीक है, फिजिकल में जब बताऊंगा तो सुधर। हाँ ओके, तो पहले इतना समझ में आया ये चीज। ये अनूपपुर, अनूपपुर में हमें क्या देखने को मिलेगा, अमरकंटक, मध्य प्रदेश का रेलवे डिवीजन कटनी, कटनी। ठीक है, जबलपुर किस लिए फेमस, अच्छा जबलपुर के बारे में मैंने बताया नहीं ना, जबलपुर, जबलपुर में नीचे आते कटनी के नीचे तो हमें जबलपुर दिखाई देता है। जबलपुर में हमें आर्मी ट्रक फैक्ट्री या आर्मी व्हीकल फैक्ट्री देखने को मिलेंगी, जहां मतलब कि आर्मी में जो ट्रक यूज होता है ना, ट्रक जिस देखा है वो ट्रक आर्मी वाला, हाँ, तो जितना भी ट्रक बनता है ना वो जबलपुर में बनता है। तो आर्मी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ देखने को मिलता है, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में, जबलपुर में, जबलपुर में। कहेगा कि जबलपुर किस नदी के किनारे है, तो यहीं से जाती है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, और इसी जबलपुर में नर्मदा नदी पर है एक धुआंधार वॉटरफॉल, धुआंधार वॉटरफॉल। ठीक है, कहेगा धुआंधार वॉटरफॉल कहाँ है, जबलपुर में, किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर, तो जबलपुर किस लिए फेमस है, समझ में आया। जबलपुर में हमें आर्मी व्हीकल फैक्ट्री देखने को मिलती है, जितनी भी आर्मी की ट्रक्स होती हैं वो मोस्टली यहीं से बनती है। जबलपुर में हमें जो है धुआंधार वॉटरफॉल देखने को मिलता है नर्मदा नदी के किनारे। इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हमने इतने सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए, थोड़ा सा रिमूव कर दूं। फिर से एक बार बताना, सिंगरौली किस लिए फेमस है, थिक लेयर्ड कोल के लिए। सतना सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। पन्ना हीरा के लिए। चौथा छतरपुर खजुराहो में कौन सा मंदिर, कंदरिया महादेव, कंदरिया, कंदरिया महादेव। ठीक है, कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव। उसके बाद अनूपपुर अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक से कितनी नदियां, तीन, कौन कौन सी, नर्मदा सोन और महानदी, नर्मदा सोन और महानदी, नर्मदा सोन और महानदी। ठीक है, नर्मदा सोन और महानदी। उसके बाद कटनी किस लिए फेमस है, रेलवे डिवीजन, रेलवे डिवीजन, मतलब कि मध्य प्रदेश का रेलवे डिवीजन कहाँ है, कटनी में है, मध्य प्रदेश का रेलवे डिवीजन कटनी में। जबलपुर, जबलपुर किस लिए फेमस है, आर्मी ट्रक, आर्मी ट्रक। ठीक है, मतलब कि आर्मी व्हीकल फैक्ट्री,
आर्मी व्हीकल फैक्ट्री, आर्मी व्हीकल फैक्ट्री, पसंद में आर्मी व्हीकल फैक्ट्री, आर्मी व्हीकल फैक्ट्री। अच्छा, जबलपुर से यही ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा, सागर, सागर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सागर दिखाई दे रहा है ना, सागर, मैं बताना भूल गया था, याद करवाते थे। तो जबलपुर के ऊपर ही हमें एक सागर डिस्ट्रिक्ट दिखाई देता है। इसी सागर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बीना, 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 बीना जो सिटी है वो ऑयल रिफाइनरी के लिए बहुत फेमस है, ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज। बीना किस लिए फेमस है? ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है कौन? बीना, ठीक है, बीना, याद हुआ इतना, ओके। अच्छा, अमरकंटक कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? आनोपुर में। कटनी किस लिए फेमस है? रेलवे सब डिवीजन, रेलवे सब डिवीजन के लिए, ठीक है। और जबलपुर में आर्मी व्हीकल फैक्ट्री, आर्मी व्हीकल फैक्ट्री, आर्मी की ट्रक्स बनती है वहां पर। जबलपुर में कौन सा वाटरफॉल है, धुआंधार वाटरफॉल किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। जबलपुर के ऊपर हमें डिस्ट्रिक्ट मिलता है सागर, सागर डिस्ट्रिक्ट में बीना शहर किस लिए फेमस है? ऑयल रिफाइनरी के लिए, ऑयल रिफाइनरी के लिए, इतना समझ में आया, ऑयल रिफाइनरी के लिए, इतना समझ में आ गया, ओके। अब इसके ऊपर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वालियर कभी झांसी की कैपिटल हुआ करती थी। ग्वालियर के जो राजा थे वो थे राजा गंगाधर राव, ठीक है, ग्वालियर के राजा कौन थे? गंगाधर राव, ठीक है, यहाँ थी ग्वालियर, ग्वालियर, और ग्वालियर के राजा थे गंगाधर राव, और यहाँ बनारस की थी मनुबाई, बनारस की थी मनुबाई, मनुबाई की शादी किसके साथ हो जाती है? गंगाधर राव के साथ, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। मनुबाई की कोई संतान नहीं रहती है, तो संतान न होने की वजह से लॉर्ड डलहौजी के बहुत सारे नियम थे, उसने क्या कहा था कि जिस राज्य में, जिस राज्य के पास उनकी खुद की कोई औलाद नहीं होगी, तो उनके मरने के बाद, जो वहां का राजा या रानी है उनके मरने के बाद वो राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आ जाएगा। इसी के लिए, इसी चीज को, मतलब इसी का विरोध करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया। और रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध किस अंग्रेज ने किया था? कैन यू टेल मी? ह्यूज रोज, ठीक है, ह्यूज रोज, ठीक है, ह्यूज रोज। तो ग्वालियर, ग्वालियर किसकी कैपिटल हुआ करती थी? झांसी की, ग्वालियर झांसी की कैपिटल हुआ करती थी, तो झांसी की रानी के लिए फेमस है कौन? ग्वालियर, ग्वालियर, ठीक है, इतना समझ में आ गया ग्वालियर, बहुत बढ़िया, ग्वालियर। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, यहाँ से होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद, 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 ठीक है। अब देखो होशंगाबाद में ना, होशंगाबाद में हमें नोट जिससे बनता है ना, नोट, नोट जो हमारा नोट रहता है, कागज, कागज जो कागज बन, पेपर, तो नोट बनाने वाले कागज की प्रिंटिंग होती है होशंगाबाद में, ठीक है, यानी जो भारत, भारत में जितने भी नोट बनते हैं उनको, उनको बनाने के लिए जो पेपर चाहिए रहता है वो कहाँ से आता है? होशंगाबाद से, ठीक है। तो नोट बनाने वाली पेपर, यानी हम क्या कह सकते हैं कि नोट पेपर प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? होशंगाबाद में, है ना, नोट पेपर प्रिंटिंग, नोट प्रिंटिंग प्रेस नहीं, नोट का पेपर, नोट पेपर प्रिंटिंग प्रेस होशंगाबाद में है। पहले क्या होता था कि हमारा जो पेपर आता था नोट का वो जर्मनी से आता था, ठीक है, और पाकिस्तान भी वो पेपर कहाँ से लाता था? जर्मनी से लाता था। तो पाकिस्तान क्या करता था कि भारत में जो नोट बनता था ना उसी का डुप्लीकेट नोट बना लेता था, क्योंकि पेपर सेम होता था और डुप्लीकेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, डाइस वो कर लो, बाकी नोट बन जाएगा। और पेपर मतलब कि नोट असली है या नकली है वो सिर्फ पेपर से ही पता चल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भी पेपर जर्मनी से इम्पोर्ट करता था, हम लोग भी जर्मनी से इम्पोर्ट करते थे। तो ये क्या करता कि हमारी ही नोट का डुप्लीकेट बना लेता, गांधी जी को छाप देता और उसकी सप्लाई कहाँ कर देता था? फिर पीओके वाले रीजन में, और उससे भारत के अंदर वो टेररिज्म को फंडिंग करता था।
जब इस बात का पता चला गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने जर्मनी से पेपर बनाना मंगाना बंद कर दिया और फिर यहाँ से चालू किया होशंगाबाद से। होशंगाबाद में प्रिंटिंग प्रेस खोली गई और यहीं से हमारा जो पेपर आता है नोट का, वो होशंगाबाद से आता है। बात समझे? ओके। तो होशंगाबाद किस लिए फेमस है? नोट की, कागज की छपाई के लिए, ठीक है, नोट प्रिंटिंग प्रेस के लिए, नोट पेपर प्रिंटिंग प्रेस, नोट पेपर प्रिंटिंग प्रेस, नोट पेपर प्रिंटिंग प्रेस, नोट पेपर प्रिंटिंग प्रेस। समझ में आया? बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग होशंगाबाद के ऊपर देखेंगे तो हमें दिखाई देगा रायसेन, 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 रायसेन बहुत चीजों के लिए फेमस है। रायसेन में हमें एक गुफा देखने को मिलती है जिसमें आदिमानव के द्वारा बनाया गया है चित्रकारी, जिसे हम कहते हैं भीमबेटका गुफा, भीमबेटका, ठीक है, ये गुफा देख रही है, इसे हम क्या कहते हैं, भीमबेटका गुफा, भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिले में, रायसेन जिले में। और इसकी जो दीवाले हैं, इन दीवालों पर ऐसे ऐसे चित्र बने हुए हैं, चित्र दिखाई दे रहे हैं सब? हाँ। तो ये उस वक्त के कौन बनाए थे? जो आदिमानव लोग हुआ करते थे, वो लोग जिस जानवर को देखा करते थे, जिस जानवरों का जैसे शिकार किया करते थे, उसी फॉर्मेट में वो लोग उस चित्र को बना देते थे, ठीक है। तो आज भी ये इन केओस में सुरक्षित है। यानी माना जाता है कि जब मतलब कि पूरी दुनिया में जब ये मानव जाति धीरे 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 फ्लरिश हो रही थी, तो हमारे भारत के भीमबेटका में भी वो आदिमानव रहा करते थे, शरण लिया करते थे, उनकी कम्युनिटी होती होगी, लोग एक दूसरे से बात करते होंगे, जो चीजों को देखते होंगे उसी तरीके को ऑब्जर्व करके वो लोग अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से दीवालों पर वो बना दिया करते थे, ठीक है। और आज भी ये प्रिजर्व्ड एरिया है, ठीक है। तो हमें रायसेन में क्या देखने को मिलता है? भीमबेटका, भीमबेटका में जो पेंटिंग्स मिली है, इन्हें हम केव पेंटिंग्स के नाम से जानते हैं, केव पेंटिंग्स, है ना, गुफा चित्रकारी, केव पेंटिंग्स, ठीक है, केव पेंटिंग्स, गुफा चित्रकारी, केव पेंटिंग्स, गुफा चित्रकारी। बात समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया। अब अगर हम रायसेन के ऊपर चलते हैं, रायसेन के ऊपर, तो रायसेन के ऊपर में क्या देखने को मिलेगा? ये एक तो विदिशा, ठीक है, विदिशा, विदिशा, विदिशा कभी पुष्यमुत्र शुंग, इतिहास में हमने पढ़ा है शुंग डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी में पुष्यमित्र शुंग की कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है, शुंग डायनेस्टी में पुष्यमित्र शुंग की कैपिटल हुआ करती थी विदिशा। और इसी विदिशा में ईरान का शासक था, क्या नाम था ईरान का, कैटोलिन, पता नहीं वो शासक का नाम नहीं याद है, लेकिन उसका एक राजदूत जो एम्बेसडर था वो भारत में आया था, हेलियोडोटस, है ना, हेलियोडोटस, हाँ हेलियोडोटस, हेलियोडोटस भारत में आया था ये हिंदू धर्म की शिक्षा लेने के लिए, ठीक है, लेकिन हेलियोडोटस को पकड़ के जो है भागवत धर्म की शिक्षा दे देते हैं। और जब भागवत धर्म की शिक्षा देते हैं तो भागवत धर्म से, यानी उसमें विष्णु पुराण वगैरह से, विष्णु जी से बहुत प्रभावित होता है, और उसी प्रभाव में आकर के उसने विदिशा में एक मंदिर बनवाता है बहुत बड़ा, और उसी के सामने गरुड़ ध्वज बनवाता है। अभी मैं दिखाता हूँ, गरुड़ पिलर, ठीक है, गरुड़ पिलर, ये दिखाई दे रहा है, ये विदिशा में बनाया गया गरुड़ पिलर हेरियोडोटस का है, हेरियोडोटस का है। उसने इस पे सारी की सारी उस वक्त में जो उसने लर्निंग्स ली, उसको भारत के बारे में, उसको जो चीजें अच्छी लगी उस वक्त के राजा के बारे में, ठीक है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसने इस पिलर पर लिखा था, ठीक है, जो आज भी प्रिजर्व है। ऊपर का जो गरुड़ वाला हिस्सा है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया है, क्योंकि गरुड़ ध्वज उसने क्यों बनवाया इसको, गरुड़ किसकी सवारी है? विष्णु जी की। और उसने भागवत की शिक्षा ली, भागवत में विष्णु भगवान के सारे रूपों, सारे अवतार जितने भी हुए हैं उन सब के बारे में उसमें बताया गया था, ठीक है। तो उसने हेलियोडोटस ने उसी भागवत से इन्फ्लुएंस होकर के विदिशा में क्या बनवाया, मंदिर बनवाया, और मंदिर के सामने इसका गरुड़ ध्वज अभिलेख, ठीक है, गरुड़ ध्वज अभिलेख, गरुड़ ध्वज पिलर, पिलर, इसे हेलियोडोटस पिलर भी कहते हैं,
हेलियोडोरस था, हेलियोडोरस पिलर, ठीक है, हेलियोडोरस, हाँ हेलियोडोरस है एक्चुअली में, हेलियोडोटस नहीं, हेलियोडोरस है, हेलियोडोरस, ठीक है, हेलियोडोरस, हेलियोडोरस पिलर है, ठीक है, हेलियोडोरस पिलर, हेलियोडोरस पिलर। और इसी इसी यहाँ विदिशा में हमें देखने को मिलेगा सांची स्तूप, ये दिखाई दे रहा है, सांची स्तूप, सांची स्तूपा, स्तूपा ये किसका निशानी रहता है, तो बुद्धिज्म में जिन्हें परिनिर्माण, महापरिनिर्वाण जब मिलता है, जैसे महापरिनिर्वाण का ये वर्ड किसके लिए यूज हुआ था, तो गौतम बुद्ध के लिए, तो उन्हीं की याद में ये बनाया जाता है ये स्तूपा, ठीक है, स्तूपा। तो हमें जो रायसेना डिस्ट्रिक्ट है, रायसेना नहीं, ये विदिशा, विदिशा में दो चीजें कौन कौन सी, सांची स्तूप, सांची स्तूप, और हेलियोडोटस का गरुड़ ध्वज अभिलेख, हेलियोडोटस का गरुड़ ध्वज अभिलेख। भीमबेटका, भीमबेटका किस जिले में है, भीमबेटका रायसेना में है, ठीक है, भीमबेटका रायसेना में है। तो ये होशंगाबाद, रायसेना और विदिशा, ये चीजें समझ में आई, ओके, होशंगाबाद, रायसेना और विदिशा, इनकी सारी की सारी स्टोरी क्लियर होगी। अब अगर हम देखें तो हमें दिखाई देगा यही भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश का कैपिटल, भोपाल। अब भोपाल की, भोपाल में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, 2 और 3 दिसंबर की रात 1984 को, ठीक है, 2 और 3 दिसंबर की रात 1894 को, जैसे 1984, ठीक है, 2-3 दिसंबर 1984, मतलब कि 2-3 क्यों लिखते हैं, क्योंकि 2 बजे की रात्रि को हुआ था, 12 बजे के बाद की ये स्टोरी है, जब वहां पर एक यूनियन कार्बाइड नाम की क्या थी, कंपनी थी, फैक्ट्री थी, ठीक है, ये फैक्ट्री क्या करती थी, पेस्टिसाइड्स बनाती थी, और उसका जो मालिक था, ये फोटो दिख रही है, वॉरेन एंडरसन, इसका क्या नाम था, वॉरेन एंडरसन, एंडरसन, ठीक है, इसका मालिक था। तो यहाँ के जो वर्कर्स थे वो कहते थे कि हमें कंपनी में, इस फैक्ट्री में जो है मेंटेनेंस की जरूरत है, लेकिन वॉरेन एंडरसन मेंटेनेंस को अवॉइड करता था, अवॉइड करता था। और यहाँ पर जो पेस्टिसाइड्स बनाई जाती थी, वो पेस्टिसाइड्स, जैसे मान लो इस टैंकर में पेस्टिसाइड बनाया जाता है, तो इसके ऊपर से ही पानी की पाइप गई हुई थी, और हाँ, ये पानी जैसे ही लीकेज हो करके इस टैंकर में गया, तो ये पानी, और इस टैंकर में था मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और जैसे ही पानी की बूंदे मिथाइल आइसोसाइनाइड में गिरी, ये रिएक्ट कर गया, और रिएक्ट करके ये पूरा का पूरा ब्लास्ट कर गया, और ब्लास्ट होने के बाद जो गैस बाहर निकली वो हवा में इस तरीके से फैली कि जो लोग सोए हुए थे, सोए सोए जिनके अंदर गया, 2 से 3 घंटे के अंदर उनके फेफड़े गल गए, हजारों लोगों की मौत हुई, लोग सोए के सोए ही रह गए, ठीक है, सोए के सोए रह गए, जो लोग सरवाइव किए उनकी भी जिंदगी बद से बदतर हो गई, ठीक है, सर्वाइवल की भी जिंदगी बद से बदतर हो गई। यहां से ये जो एंडरसन था, एंडरसन भाग चला, एंडरसन के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने केस लगाया, केस चलता रहा चलता रहा, 2016 में एंडरसन की मृत्यु हो जाती है, लेकिन लेकिन हमारे भारत का जो ये सुप्रीम कोर्ट है क्या कहता है, एंडरसन एंडरसन मर गया तो क्या हुआ, उसके ऊपर केस चलता रहेगा, बस समझ में आई, तो हाँ वो पता नहीं उसके आत्मा को सजा सुनाएंगे, हो सकता है पकड़ के, ठीक है, या जो जज लिख रहा होगा वो मरेगा तो ऊपर जाएगा पकड़ेगा फिर इसको, ऐसे ऐसे तो लोग हैं यहाँ पे, क्या ही बोले, हाँ तो वही क्या एक है ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो फिगर था कि 4,000 लोग मरे थे, लेकिन गवर्नमेंट का फिगर कभी भी सही नहीं होता है, तो सबको पता है, कोरोना में अगर 1,00,000 लोगों की मौत हुई है तो समझ लो 10 गुना ज्यादा फिगर पकड़ के चलो, ठीक है। तो वैसे अगर यहाँ गवर्नमेंट कहती है कि 4,000 लोग मरे, तो यहाँ भी 10 गुना ज्यादा आंकड़े पकड़ के चलो, ठीक है। आज भी यहाँ के जो लोग हैं उनके DNA इस तरीके से अफेक्टेड हो चुके हैं, बच्चे और उनकी मेंटालिटी, मतलब लोगों के माइंड पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है।
अब सोचो जो गरीब फैमिली होंगी वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना उनके लिए कितना मुश्किल होगा, है कि नहीं? अपना सारा घर बार छोड़ करके यहाँ से वहां ट्रेवल करना, मतलब जाना हो तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है? तो भोपाल गैस जो इंसिडेंट था, भोपाल गैस इंसिडेंट का इसको तो मैसेकर बोल देना चाहिए था, देखो 3 दिसंबर 1984, ठीक है? तो भोपाल को इसलिए भी याद रखा जाता है, भोपाल। वैसे मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, ठीक है? मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल। इतना क्लियर हो गया, ठीक है? अब आ जाते हैं हम लोग सीधा यहाँ बुरहानपुर, ठीक है? देखना, ये जो बुरहानपुर है, बुरहानपुर यहाँ है ना, महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर ही, यहाँ ये वाला एरिया, इसको ध्यान में रखना, ठीक है? ये यहाँ वाला, ठीक है? यहाँ बुरहानपुर एक पास है, बुरहानपुर पास, पास मतलब दर्रा, जो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से जोड़ता है, ठीक है? नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया को जोड़ता है। तो बुरहानपुर किस लिए फेमस है? बुरहानपुर पास के लिए, पास के लिए, ठीक है? बुरहानपुर पास के लिए, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो बुरहानपुर दर्रा किसको, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जोड़ने वाला दर्रा को क्या कहते हैं? बुरहानपुर दर्रा, बुरहानपुर। बुरहानपुर में एक जगह है, एक शहर है नेपानगर, इसी में यही हमें मतलब देखने को मिलेगा, नेपानगर, ठीक है? यहाँ पर अखबार का कागज छपता है, जो अखबार पढ़ते हैं ना लोग, उसके कागजों की प्रिंटिंग नेपानगर में होती है, यानी अखबार कागज फैक्ट्री कहाँ है? नेपानगर में। लेकिन कहेगा कि नोट पेपर फैक्ट्री होशंगाबाद में, ठीक है? होशंगाबाद में। तो नेपानगर कहाँ है? बुरहानपुर में। और ये किस लिए फेमस है? तो यहाँ पर अखबारी कागज मिलता है, न्यूज़पेपर का जो पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर उसके लिए फेमस है, ठीक है? ओके, ठीक है। बुरहानपुर दर्रा और नेपानगर, बुरहानपुर दर्रा और नेपानगर, इतना समझ में आया? ओके, अब उससे ऊपर हम चलते हैं तो हमको देखने को मिलेगा देवास। याद आ रहा है कुछ इकोनॉमिक्स में? देवास, नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? देवास में नोट प्रिंटिंग प्रेस, यहाँ पर नोट छापा जाता है, नोटों की छपाई होती है, कहाँ पर? देवास में, ठीक है? देवास में नोट प्रिंटिंग प्रेस, नोटों की छपाई होती है देवास में, ठीक है? देवास में क्या, किसकी छपाई होती है? नोटों की, नोट। तो लूटने का प्लान मत बनाना देवास को, ठीक है? क्लियर है? ओके, देवास के अगर आगे हम जाए तो हमें देखने को मिलेगा इंदौर, भारत का सबसे क्लीन शहर, इंदौर, क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, इंदौर, ठीक है? क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, इंदौर, ठीक है? इंदौर में हमें मिलेंगी बाघ की गुफाएं, ठीक है? बाघ की गुफाएं क्या है, ये दिखाई दे रहा है, ये टाइगर केव्स। एक्चुअली में पहले यहां पर ना बुद्धिज्म की शिक्षा वगैरह दी जाती थी इन गुफाओं में, ठीक है? लेकिन 10वीं सदी आते आते जैसे बुद्धिज्म का अंत होता है, ठीक है, बुद्धिज्म धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता है, तो यहाँ पर लोग रहना छोड़ देते हैं, ठीक है? यहाँ पर कोई आता नहीं, क्योंकि इसके अंदर स्तूपास भी मिले हैं, ठीक है, लोगों के जो वर्शिप करते हैं वो सारे के सारे एविडेंसेस मिले हैं। तो 10वीं शताब्दी के आसपास यहाँ लोग आना छोड़ देते हैं, और जब लोग आना छोड़ देते हैं तो जंगल के बीच में होने की वजह से यहाँ पर टाइगर्स रहने लगते हैं, ठीक है, बाघ रहने लगते हैं, और बाघों के होने की वजह से इस गुफा का नाम पड़ गया बाघ की गुफाएं। और ये गुफाएं कहा जाता है कि मतलब कि ये जो प्लेस था ये गुप्ता काल में ही बनाया गया था, गुप्ता काल के टाइम पीरियड का है बाघ की गुफाएं। और ये जो गुफा है इसके पास से जो नदी बहती है उस नदी को भी नाम रख दिया बाघ नदी या बाघिन रिवर, समझा? बाघिन रिवर, इतना क्लियर है?
ओके ठीक है। बाघ की गुफाएं समझ में आई? बाघ की गुफाएं कब बनाई गई थी? गुप्ता टाइम पीरियड में, ठीक है, गुप्ता टाइम पीरियड में। पहले यहाँ बुद्धिज्म की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन बाद में जब बुद्धिज्म का अंत होता है, लाइक धीरे धीरे लोग कम हो जाते हैं, तब यहाँ से लोग हट जाते हैं और यहाँ पर बाघों का निवास हो जाता है। लोग बाघ आकर के अपना मस्त आराम करते थे, इसलिए जब इसे खोजा गया तो इसका नाम पड़ गया बाघ केव, टाइगर केव, बाघ की गुफाएं। यहाँ से नदी बहती है बाघिन रिवर, समझ में आ? ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंदौर। इंदौर के बाद अगर हम बात करेंगे, ऊपर हमें देखने को मिलेगा उज्जैन। उज्जैन है ना, उज्जैन। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहते हैं। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर दिखाई देगा, महाकालेश्वर टेम्पल, महाकालेश्वर। मैं दिखाता हूँ, महाकालेश्वर जी, ये दिखाई दे रहा है, महाकालेश्वर टेम्पल। पता है ना कि भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें मतलब कि अलग अलग प्लेसेस पे सबसे अधिक महाराष्ट्र वाले एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, और अलग अलग जगह पर है, जैसे कि सोमनाथ है, ठीक है, बनारस में है, उसके बाद वैसे ही मध्य प्रदेश में ये है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का मतलब होता है स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब जो खुद पैदा हुआ हो, ठीक है। तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो शंकर जी की जो ज्योतिर्लिंग है वो खुद से प्रकट हुई है, ये किसी राजा या महाराजा के द्वारा एस्टेब्लिश नहीं करवाया गया है, बनवाया नहीं गया है, ठीक है। तो उज्जैन, उज्जैन में कौन है, महाकाल की नगरी कहते हैं इसे, महाकालेश्वर टेम्पल है। और महाकालेश्वर टेम्पल कहेगा कि उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो छिप्रा नदी के किनारे, छिप्रा नदी, ठीक है। उज्जैन के पास से बहती है छिप्रा रिवर, छिप्रा रिवर। या महाकालेश्वर टेम्पल किस नदी के किनारे, तो छिप्रा नदी के किनारे, छिप्रा रिवर के किनारे, छिप्रा रिवर के किनारे। इतना बात समझ में आ रहा है क्या? ओके, छिप्रा रिवर के किनारे। तो ये हो गया उज्जैन। उज्जैन के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो हमें ये दिखाई देगा मंदसौर, मंदसौर। और मंदसौर में कहा जाता है कि मंदसौर की कौन थी, मंदोदरी, ठीक है, मंदसौर की कौन थी, मंदोदरी। लेकिन अगर ऐसे गूगल करेंगे तो मंदोदरी को दिखाता है कि वो मंदोर की थी, मंदोर। और मंदोर राजस्थान में प्लेस है, ठीक है, राजस्थान में। तो इतना सारा का सारा चीज क्लियर हो गया ये मध्य प्रदेश का, और हमने सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया, ठीक है, सारे डिस्ट्रिक्ट को भी कवर कर लिया। इतना क्लियर है ना? ओके, अब हम इसके थोड़े से इसको फिजिकल पोर्शन को देख लेते हैं, ठीक है। ओके, अब फिजिकल पोर्शन को देखने में क्या है, जैसे यहाँ पर दो पहाड़ियां हमें देखने को मिलेगी, एक जिसे हम कहते हैं विंध्याचल और दूसरा सतपुड़ा, ठीक है। मैं अभी थोड़ा इसको रिमूव कर लू, फिर बताता हूँ। फिर तीसरा अमरकंटक की पहाड़ी और यहीं से निकलने वाली कुछ नदियां, ठीक है। जैसे इस मध्य प्रदेश के बीचों बीच से ऊपर साइड में अगर हम बात करें तो एक माउंटेन रेंज जाती है जिसे हम कहते हैं विंध्याचल, विंध्याचल की पहाड़ी। और नीचे से जो जाती है उसे हम कहते हैं सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा, सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा। तो इसी विंध्याचल, ऊपर क्या है विंध्याचल, नीचे है सतपुड़ा, इसी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीचों बीच से बहती है हमारी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी को चंचल नदी, रेवा नदी या दबंग नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि मध्य प्रदेश में कौन सी माउंटेन रेंजेस है, विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा। यहाँ हमें अन्नपुरा में देखने को मिलता है अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी। और इस अमरकंटक से तीन नदियां निकलती हैं। अगर हम वाले वेस्ट में बात करें तो वेस्ट में चली जाएगी हमारी नर्मदा, फिर ऊपर अगर नॉर्थ की बात करें तो ऊपर चली जाएगी सोन, और नीचे की बात करें तो चली जाएगी महानदी, महानदी, ठीक है, महानदी। इतना क्लियर है? ओके, यहीं से
इसी जो विंध्याचल है, विंध्याचल माउंटेन से एक नदी और निकलती है जिसे हम कहते हैं चंबल, और ये चंबल मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना में मिल जाती है। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। उसके बाद और फिजिकल चीजों में क्या करना है, तो फिजिकल चीजों में इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। दो ये माउंटेन रेंजेस याद रखने हैं, तीन नदी याद रखनी है, चार नदी कौन कौन सी, यहां से नर्मदा, ऊपर ये सोन और नीचे ये महानदी, और यहां से ये चंबल चंबल, और इसके साथ हमारा ये जो मध्य प्रदेश था, ये मध्य प्रदेश खत्म होता है। समझ में आ गया? ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।